सो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% नहीं, ये 110% लगभग पूछा जाता है और बहुत चांसेस है इसके आने के। दैट इज व्हाई इज ब्राजील कॉल्ड एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील को कॉफी पॉट क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ये होता है ब्राजील में ऑब्वियसली ज्यादा कॉफी होती होंगी, इसलिए ब्राजील को कॉफी पॉट कहा जाता है। लॉजिक हमने लगा लिए, बिना लिखे वापस आना ही नहीं है, 100% लिखना है उसमें। सो क्वेश्चन इज व्हाई इज ब्राजील कॉल्ड एज कॉफी पॉट। तो कॉफी पॉट यानी जहां पे बहुत ज्यादा कॉफी होती है। सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्राजील को कॉफी पॉट क्यों कहा जाता है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, ब्राजील रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। ऑब्वियसली कॉफी पॉट कहा जाता है तो ब्राजील में ज्यादा कॉफी होती होंगी, लेकिन ब्राजील रैंक्स फर्स्ट, ब्राजील रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। मेरे साथ रिपीट करिए, ब्राजील क्या करता है? कॉफी का प्रोडक्शन में पहले रैंक में आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिमाग में डाल देने का है, ब्राजील रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। नाउ सेकंड पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस नियरली 40% ऑफ टोटल कॉफी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सो इसने पहले बताया कॉफी में फर्स्ट रैंक तो आता है, लेकिन क्यों आता है भाई? पहले उसको डिफाइन करो, प्रूव करना पड़ेगा ना। तो इट प्रोड्यूसेस नियर बाय 40% ऑफ कॉफी, तो 40% ऑफ कॉफी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वर्ल्ड में जितना कॉफी होता है उसका लगभग 40% जो होता है वो ब्राजील में ही प्रोड्यूस होता है। सो डेफिनेटली ब्राजील में कॉफी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप देख रहे हो लगभग 40% हो गया, यानी आधे से थोड़ा सा कम, सिर्फ पूरी वर्ल्ड में जितनी कॉफी हो रही है उससे आधे से थोड़ा कम कॉफी भी पूरा ब्राजील में हो रहा है। दैट्स व्हाई द फर्स्ट, पहला पॉइंट रिपीट कर, सॉरी पहला पॉइंट रिपीट करेंगे हम यहाँ पे, ब्राजील रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। इट प्रोड्यूसेस नियर बाय 40% ऑफ कॉफी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके नाउ थर्ड इज, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी। ऑब्वियसली हम अगर लॉजिक लगाएंगे, फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉफी हो रहा है यहाँ पे और ऑलमोस्ट 40% ऑफ कॉफी हो रहा है और ब्राजील में पॉपुलेशन कम है, कॉफी ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली ब्राजील क्या करेगा कि हमारी कॉफी एक देश से, हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा। ऑब्वियसली वो ब्राजील क्या करता है, खुद की जो कॉफी है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी अपने देश से बाहर बेचता है। ठीक है, तो बाहर भेजने के कारण वो एक्सपोर्ट होती है, तो इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन ऑल ओवर वर्ल्ड। नाउ आप रिपीट करेंगे, एकदम लॉजिकली रिपीट करेंगे, पहला पॉइंट ब्राजील रैंक्स, मेरे साथ रिपीट करो आप, ब्राजील रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। लॉजिकली रट्टा बिल्कुल नहीं मानना है, क्यों क्यों बोलते हैं उसको ब्राजील को, क्यों रैंक फर्स्ट आता है? क्योंकि इट प्रोड्यूसेस नियर बाय 40% ऑफ कॉफी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। थर्ड पॉइंट इज, इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है अपने देश से, माल ज्यादा बाहर भेजता है कॉफी का। सो यहाँ पे प्रूव हो चुका है, दैट्स व्हाई द ब्राजील इज नोन एज द कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड।